सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब नहीं रही। उनकी मौत के बाद शाही घराने की कमान उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स के हाथ में होगी। फरवरी 2022 में प्लेटिनम जुबली के दौरान महारानी एलिजाबेथ टू ने राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए कहा था कि उनके बाद प्रिंस चार्ल्स राजा बनेंगे। तो आइए जानते हैं बकिंघम पैलेस में जन्मे प्रिंस चार्ल्स की जिंदगी से जुड़ी बातें। शुरुआत प्रिंस चार्ल्स की परवरिश से। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप ने फैसला लिया कि उन्हें पढ़ाने के लिए कोई टीचर महल में नहीं आएगा, वो खुद स्कूल जाएंगे। चार्ल्स ने 7 नवंबर 1956 को वेस्ट लंदन के हिल हाउस स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। इसके बाद चार्ल्स ने चिम प्रिपरेटरी स्कूल में एडमिशन लिया। इसी स्कूल में चार्ल्स के पिता भी पढ़ चुके थे। चार्ल्स ने अपनी स्कूलिंग स्कॉटलैंड के गॉर्डन टाउन में पूरी की, जहां उन्हें प्रिंस की तरह नहीं बल्कि आम स्टूडेंट की तरह पढ़ाया गया। फिर अगस्त 1975 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से चार्ल्स ने मास्टर ऑफ आर्ट्स में डिग्री हासिल की। इसी बीच उन्होंने अपने पिता, दादा और परदादा के नक्शे कदम पर चलते हुए रॉयल एयरफोर्स की ट्रेनिंग पूरी की और रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन की। प्रिंस चार्ल्स के लव लाइफ के भी काफी किस्से रहे। यंग लाइफ में उनका नाम स्पेन की ब्रिटिश राजदूत की बेटी जॉर्जियाना रशेल, आर्थर ब्लेसले, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन की बेटी लेडी जेन ब्लेसले जैसी कई महिलाओं से जुड़ा। फिर 24 जुलाई 1981 को खुद से 13 साल छोटी डायना स्पेंसर के साथ वो शादी के बंधन में बंधे। लेकिन शादी के बाद भी चार्ल्स का पहले से शादीशुदा कैमिला पार्कर बोल्स के साथ लव अफेयर की चर्चा रही। माना जाता है कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली प्रिंस चार्ल्स और कैमिला की शादी के खिलाफ थी, इसलिए उन्होंने मजबूरी में डायना से शादी की। फिर प्रिंसेस डायना से तलाक और उनकी मौत के बाद चार्ल्स ने 9 अप्रैल 2005 को कैमिला पार्कर बोल्स से विंडसर में शादी की। प्रिंस चार्ल्स का नाम कई विवादों में भी रहा। उनकी संस्था प्रिंस ऑफ वेल्स चैरिटेबल फंड पर आरोप है कि वो पैसा लेकर सम्मान दिलाने के गौरव धंधे में शामिल है। ब्रिटेन के अखबार द संडे टाइम्स और द डेली मेल ने खुलासा किया कि प्रिंस चार्ल्स की संस्था दूसरे देशों के अमीरों से पैसे लेकर उन्हें नाइटहुड और सिटीजनशिप दिलाते हैं। इसके अलावा प्रिंस चार्ल्स पर ये भी आरोप है कि उन्होंने ओसामा बिन लादेन के परिवार से 2013 में दान स्वीकार किया था। तो वहीं 80 के दशक में बॉलीवुड एक्ट्रेस पद्मनी कोहलापुरी के साथ भी प्रिंस चार्ल्स का नाम जुड़ा। जब 1980 में प्रिंस चार्ल्स भारत के दौरे पर आए थे, तब एक इवेंट में पद्मनी ने प्रिंस का वेलकम किया और उन्हें किस भी किया। ये इंसिडेंट काफी चर्चा में रहा। द संडे टाइम्स ने शाही परिवार के अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कहा है कि वेल्स के प्रिंस किंग बनने के बाद चार्ल्स लंदन के 775 कमरों का ऐतिहासिक शाही बकिंघम पैलेस को छोड़ देना चाहते हैं। ये पहले साल 1837 से ही ब्रिटिश राज घराने का आधिकारिक घर है। इसे 1703 ईस्वी में बनाया गया था। शाही परिवार की परंपरा के हिसाब से महारानी की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी को राजगद्दी संभालनी होगी। प्रिंस चार्ल्स रानी के उत्तराधिकारी हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।